अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए कीमोथेरेपी सेशंस करवा रहे हैं तो हो सकता है डॉक्टर ने आपको कीमोपोर्ट इंसर्शन की सलाह दी हो, और अगर आप ये कीमोपोर्ट इंसर्ट करा चुके हैं या करवाने वाले हैं और सोच रहे हैं कि इस तरह के पोर्ट्स का कैसे ध्यान रखा जाता है, इन्हें डलवाने के बाद इनकी कैसे केयर करनी है, तो आइए सुनिए आप हमारे इस वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या गुप्ता। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। तो आज हम बात करेंगे कि कीमोपोर्ट का कैसे हम ध्यान रखें, कीमोपोर्ट डलने के बाद उसकी केयर हम कैसे करें। तो देखिए, कीमोपोर्ट एक बहुत ही वर्सेटाइल डिवाइस है जिससे कि आपको हम बहुत ईजिली कीमोथेरेपी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी नसों को हर बार फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर बार उन नसों में दवाई डालने के लिए उनको इंजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली आपकी जो कीमोपोर्ट की डब्बी है उसके अंदर एक नीडल डाल करके हम आपके सीधा जो वीनस सिस्टम है उसके अंदर हम ड्रग्स को डिलीवर कर देते हैं। तो इसमें दो ही बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं ध्यान रखने की, या कि इसमें या तो इन्फेक्शन ना हो या फिर इसमें कोई क्लॉट ना बने। तो अगर इन्फेक्शन होगा तो ये डब्बी हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इसका जो वायर है वो सीधा हमारे शरीर की बड़ी नसों में जा रहा है, वहाँ से इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है और एकदम से पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, तो जब भी आपका कीमोपोर्ट एक्सेस किया जाएगा, यानी कीमोपोर्ट में दवा देने के लिए जब भी आप कीमोथेरेपी के लिए जाएंगे, तो आप इंश्योर करें कि जो भी केयर गिवर वहाँ पे हैं वो पहले अपने हैंड्स अच्छे से स्क्रब कर लें, क्लीन कर लें। उसके बाद कीमोपोर्ट की जो डिबिया वाली जगह है वहाँ पर अच्छे से वो स्पिरिट से उसको अच्छे से रगड़ के सैनिटाइज कर लें, क्लीन कर लें, स्टेरलाइज कर लें। उसके बाद नीडल डालने के बाद वहाँ पे ड्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ओपन रहेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस है। तो एक बार आपको कीमोथेरेपी डिलीवर करने के लिए नीडल इंसर्ट हो गया है तो उसके बाद आपने इसके ऊपर ड्रेसिंग ज़रूर करवा लेनी है। एक और बात आपने ध्यान रखनी है, कभी कभी हम बहुत ग्रीडी हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी सैम्पलिंग के लिए भी हम कीमोपोर्ट डिवाइसेस से ही ब्लड सैंपल्स निकलवा लें। लेकिन आपको ये समझना है कि आपके कीमोपोर्ट डिवाइसेस को आपको किसी को भी हाथ लगाने नहीं देना है जो कि एक्सपर्ट नहीं है, जो कि कैंसर कीमोथेरेपी एक्सपर्ट नहीं है। अगर आप नॉर्मल सैम्पलिंग, जैसे आपको अपनी ब्लड शुगर की टेस्टिंग करानी है और वो कीमोथेरेपी पोर्ट से करा रहे हैं, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो आप ये बात का ध्यान रखना है कि आपका कीमोपोर्ट तभी एक्सेस किया जाए जब आपके शरीर में कीमोथेरेपी दी जा रही है, क्योंकि जितना आप इसका एक्सेस मिनिमम रखेंगे उतना ये कम इन्फेक्ट होगा। अब दूसरी बात कि हम इसमें क्लॉट कैसे ना जमने दें, क्योंकि अगर ये क्लॉट हो जाता है, अगर इसके अंदर कोई खून का थक्का जम जाता है तो ये ब्लॉक हो जाएगा और फिर इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, और जब हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे तो हमें उसको निकालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे हर 4 से 6 हफ्ते में फ्लश करवाएँ हेपरिन सॉल्यूशन या सलाइन से, किसी भी कीमोथेरेपी एक्सपर्ट, कैंसर केयर एक्सपर्ट से इसको फ्लश करवाइए हर 4 से 6 हफ्ते में। और कभी कभी क्या होता है कि इवन फ्लशिंग के बाद जब हम कीमोथेरेपी के लिए जाते हैं तो जब हम इसके अंदर कुछ इंजेक्ट करते हैं तो वो चला तो आराम से जाता है, लेकिन जब हम बाहर पुल करने की कोशिश करते हैं ब्लड को तो वो बाहर पुल नहीं होता है। उस स्थिति में आपको कीमोथेरेपी नहीं लगवानी है, उस स्थिति में डॉक्टर आपके एक दवा उस डिब्बी के अंदर डालेंगे जिससे कि जो एक फाइब्रिन प्लग बन गया है, जो कि वन वे प्लग है, जब आप अंदर डालेंगे दवा तो वो प्लग खुल जाएगा और दवा अंदर जा पा रही है, लेकिन जब आप उसको पुल करेंगे तो प्लग आके उसके ऊपर चिपक जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो ये दवा डालने से ये फाइब्रिन प्लग मेल्ट हो जाएगा, और 45 to 50 मिनट्स के बाद जब ये प्लग मेल्ट हो गया है और ब्लड वापस से बाहर की तरफ खिंच के आ पा रहा है, तभी आपको कीमोथेरेपी स्टार्ट करवानी है। तो इन्हीं बातों का बस आपको ध्यान रखना है, और इसकी केयर में आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप इसको नॉर्मल तरीके से सोप एंड वाटर से नहा धो सकते हैं, इसके ऊपर लगा सकते हैं। सिर्फ जब आपका कीमोपोर्ट डला है उसके 3 से 4 दिन तक आप इसको गीला ना करें, इसके ऊपर सिर्फ बीटाडीन से इसको क्लीन करें, या जो ड्रेसिंग है उसे वैसे ही रहने दें, या ऑल्टरनेट डे ड्रेसिंग करवाएं, और 3 से 4 दिन बाद आप इसको आराम से साबुन और पानी से धो सकते हैं। सब इसके ऊपर आपको कुछ भी अलग से कोई ऑइंटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है।
अब किन बातों का हम ध्यान रखें कि जिससे हमें पता चले कि हमारा कीमोपोर्ट इन्फेक्ट हो रहा है। वो अगर आपको वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत गर्म लग रहा है वो एरिया, या आपको कुछ लालिमा दिख रही है, या आपको कोई एक ओपन वूंड दिख रहा है जिसके अंदर से पानी जैसा निकल रहा है, या आपको कहीं ऐसा दिख रहा है कि ओपन हो गया और वहाँ से डिबिया चमक के दिख रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं से पस आ रहा है, तो इन सब केसेस में काफ़ी लाइकली है कि आपका कीमोपोर्ट इन्फेक्ट हो गया है। आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलें। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।